आज हम सेगमेंट एरिया के संबंध में बताएंगे। किसी सर्किल का सेगमेंट एरिया हम कैसे डिटरमिन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये है, एक सर्किल है और सर्किल का ये भाग जो कलर किया हुआ है इसी को हम सर्किल का सेगमेंट कहेंगे। इसके हम एरिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं ओ ए बी, यह एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के एरिया का एक फार्मूला होता है। जैसे मान लें यहाँ हम ए बी सी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ए के सामने का ये साइड जो है बी सी, इसको हम ए मान लेते हैं। जो ये बी से सी की लंबाई ए है, एंगल बी के सामने का साइड ए सी, बी इसके साइड्स को हम मान लेते हैं और ये सी एंगल के सामने ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं। और एंगल ए थीटा, एंगल बी बीटा और एंगल सी गामा है। तो अब हम देखते हैं इसका एरिया क्या होता है। जैसे हम इसको लेते हैं ए एंगल से, तो ये साइड बी है और ये साइड सी है। इस स्थिति में इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बी सी साइन थीटा। अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 ए सी साइन बीटा। और इस एंगल को अगर हम लेते हैं तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 ए बी साइन गामा। तो ये फार्मूला होता है ट्रायंगल का। तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। इस फार्मूला के डेरिवेशन के संबंध में बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे। अब हम देखते हैं सर्किल में सेगमेंट का एरिया, सेक्टोरियल एरिया। इससे पहले हमने बताया था, आप लोग इसको जान गए होंगे, जो ओ बी और ये कर्व को लेते हुए यहाँ से घुमा के ये सेक्टोरियल एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 स्क्वायर यूनिट। और इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा। यहाँ जो ये लंबाई है ओ ए आर और ओ बी आर, इस स्थिति में इसका एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर यूनिट। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। तो ये सेक्टर का एरिया और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को हम घटा देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया हम पा लेते हैं। तो ये सेक्टोरियल एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यही हमारा सेगमेंट का फार्मूला हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये सर्किल है, इस सर्किल में 30 डिग्री का ये सेक्टर बनता है और उस सेक्टर के सेगमेंट का हम एरिया निकालेंगे। इसका एक कलर्ड किया हुआ जो भाग है, इसका एरिया कितना होगा, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इस स्थिति में हम इस फार्मूला से देखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपने 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस पर हम इसके मान को पुटअप करते हैं। पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, गुना 12 गुना 12 30/360 डिग्री 1/2 और ये रेडियस आर स्क्वायर 12 × 12 37 डिग्री। चूँकि 37 डिग्री बराबर हम जानते हैं 1/2 होता है 37 डिग्री का मान। जिस स्थिति में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 12/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये हम सेगमेंट का एरिया इस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं।
तो ये फार्मूला हमें याद नहीं करना है, फार्मूला को हम क्विकली डेराइव कर सकते हैं, किसी भी फार्मूला को अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमें कभी भी मैथ बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। जो फार्मूला को रटते हैं उसे हमेशा प्रॉब्लम आते रहता है, और रटा हुआ फार्मूला कभी भी भूला जा सकता है, और कंसेप्ट नहीं होगा, अवधारणा विकसित नहीं होगा। थैंक्स।